नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि Asus का एक फ़ोन Asus ZenFone Max Pro M1 को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे इस फ़ोन को जो अपडेट मिल रहा है। तो जब सभी जानकारी देता हूँ मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेडसेट निर्माता कंपनी Asus ने Asus ZenFone Max Pro M1 स्मार्टफोन के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है। नया अपडेट नंबर 2018 सिक्योरिटी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच और ऑप्टिमाइजेशन के साथ आ रहा है। मैक्स प्रो M1 में आ रहे काफ़ी बग को फिक्स किया गया है। इस अपडेट के बाद Asus ने मंगलवार को घोषणा की थी कि Asus ZenFone Max Pro M1 के लिए अपडेट और FOTA के जरिए जारी किया गया है। बता दें कि Asus ZenFone Max Pro M1 को मिला नया सॉफ्टवेयर अपडेट बैच बनाकर रोल आउट हुआ है। ऐसे में सभी यूजर्स के पास अपडेट पहुँचने में काफ़ी समय लग सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ ये अपडेट के बाद फोन एंड्रॉइड वर्जन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। Asus ने पिछले सप्ताह खुलासा किया था कि Asus ZenFone Max Pro M1 के लिए फरवरी 2019 में एंड्रॉइड 9.0 पाई अपडेट मिल जारी होगा। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच के अलावा ऑफिशियल चेंज लॉग से पता चलता है कि फ़ोन के वाईफाई हॉटस्पॉट फीचर में सुधार किया गया। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप जैसे इंस्टाग्राम के सुधार के साथ आ रहे हैं। Asus ZenFone Max Pro को मिले नए सॉफ्टवेयर अपडेट के हेडफोन के जरिए ऑडियो एक्सपीरियंस और बैटरी खपत को ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। बेहतर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। नए अपडेट का FOTA वर्जन नंबर OPM1.WW फोन 15.2016.18.11.338-20181206 है। तो ये दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वर्जन नंबर समझ में नहीं आएगा, आपको पूरी जानकारी नीचे मिल जाएगी। ये था Asus का एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट, जल्दी रोल आउट होगा। एक रोल आउट तो हो चुका है, आपको मतलब देखने में कितना टाइम मिलेगा लिखने में, एक हफ्ता लग सकता है, दो हफ्ते लग सकते हैं, मगर आपको मिल जाएगा दो हफ्ते के अंदर ही। तो रोल आउट तो हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे Asus ZenFone Max Pro M1 यूजर्स के लिए। ये था आज के वीडियो में, लाइक शेयर करें वीडियो को।